सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट में सूचना को प्राप्त करता है, दर्शाता है और उसे दिशा देता है, उसे ब्राउजर कहते हैं। जी हाँ, ब्राउजर कहते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट की मदद से कोई भी सूचना को प्राप्त करते हैं। सत्य। पासवर्ड लगाकर आप वाईफाई कनेक्शन को सुरक्षित कर सकते हैं। जी हाँ, पासवर्ड लगाकर हम वाईफाई कनेक्शन को सुरक्षित कर सकते हैं। में वेबसाइट और यूआरएल का नाम टाइप किया जाता है एड्रेस बार में। यह एड्रेस बार है और यहीं पर हम लोग वेबसाइट और यूआरएल का नाम टाइप करते हैं। विभिन्न सर्च इंजन सूचना को खोजने के लिए समान तरीकों का उपयोग में लाते हैं। जी नहीं, अलग अलग सर्च इंजन खोजने के अलग अलग तरीके उपयोग में लाते हैं। असत्य कथन। वेब ब्राउजर के साथ हम वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, वेब ब्राउजर के साथ हम वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना तक पहुंच सकते हैं। सत्य कथन। सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट में सूचना को प्राप्त करता है, दर्शाता है और उसे दिशा देता है, उसे कहते हैं ब्राउजर। वेब ब्राउजर कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट रन होता है, जो वेब सर्वर से संपर्क कर सूचना जानकारी के लिए अनुरोध करता है। सत्य कथन। वेब ब्राउजर की मदद से ही हम लोग वेब सर्वर से कोई भी सूचना या जानकारी प्राप्त करते हैं अपने कंप्यूटर पर। हमारा वेब ब्राउजर कौन है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। स्टैटिक पेज प्रत्येक बार देखने पर समान सामग्री दिखाते हैं। जी हाँ, स्टैटिक पेज पर प्रत्येक बार देखने पर समान सामग्री दिखाते हैं। मोबाइल फोन से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपको ऐसे फोन की आवश्यकता होती है जिसमें डेटा प्रसारण हो सके। सत्य कथन है। मोबाइल फोन से यदि हमें इंटरनेट का प्रयोग करना है तो ऐसा फोन चाहिए जिसमें डेटा प्रसारण हो सके। ये गलत है, यह सत्य कथन है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें ऐसा फोन चाहिए जिसमें डेटा प्रसारण हो सके। .gov.org.uk.com जैसे एक्सटेंशन को कहते हैं डोमेन कहते हैं।